ये एक्सिस 70 प्लस का इंडिकेटर है, ये इस टाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है। आज अभी इसकी हम सेटिंग करेंगे, डेसिमल पॉइंट, डिवीजन कैपेसिटी, अनलोड कैलिब्रेशन और लोड स्पैन कैलिब्रेशन। ये सबसे पहले ये होल्ड का बटन है, ये होल्ड का बटन है, इसको हमने प्रेस करके रखना है, कैलिब्रेशन मोड में चला जाएगा, F1 आ जाएगा। F1 के अंदर इसकी ये सारी सेटिंग है, यहाँ से एंटर करेंगे F1 आ जाएगा, ये इसकी जो है फुल कैपेसिटी है। अगर दोबारा हम एंटर करेंगे, इसकी फुल कैपेसिटी 106 kg है। तो यहाँ पे अभी हम फुल कैपेसिटी राइट एरो की मदद से राइट साइड पर, और डाउन एरो की मदद से यहाँ पे 100 kg खाली हम लिखेंगे, 100 kg इसकी फुल कैपेसिटी हो गई। एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, अप एरो की मदद से हम 2 के ऊपर आ जाएंगे, ये इसके डेसिमल पॉइंट है। ये अगर हमने चेंज करने हैं अप एरो की मदद से, ये 4 decimal, 5 decimal या जितने भी डेसिमल हैं वो हम लिख सकते हैं। अभी हम 2 decimal पे चला देते हैं, 50 gram पे चलाना है। फिर एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, अप एरो की मदद से 3 पर आ जाएंगे, फिर एंटर, ये इसकी डिवीज़न आ गई, ये 10 gram, ये अभी 50 gram पे चलाना है हमने। फिर एंटर की मदद से एंटर, अप एरो की मदद से 4 पे, ये यहाँ पे ये रहन देते हैं। अब 6 के ऊपर जो है ये इसकी 0 कैलिब्रेशन है, एंटर करेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये इस टाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज नहीं है, एंड आया और 0 कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी 7 के ऊपर स्पैन कैलिब्रेशन है, ये लोड मांग रहा है, ये लोड ऊपर रखने 25 kg का, ये 25 kg वेट हमने ऊपर रख दिया, ये ऊपर रख दिया है, यहाँ पे लोड की ऑप्शन आ रही है। अब हमने एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमने राइट एरो की मदद से राइट साइड पर, अप एरो की मदद से 2, फिर राइट एरो की मदद से राइट साइड, यहाँ पर हमने 5 लिख देंगे, 25 kg ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे भी 25 kg हमने लिख देना है। उसके बाद एंटर के बटन को प्रेस करना है, और ये रीडिंग चलेगी और कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने होल्ड की मदद से बैक साइड पर आ जाना है, 5 kg ऊपर से हटाएं, पर ये 5 kg हटाया, 20 kg पूरा लिखा हुआ आगे, ये 20 kg भी एक दफ़ा हटाएं, ये 0 भी स्टेबल हो गया। ये दोनों 25 kg दोबारा रख दें ऊपर, ये 20 kg भी आ गया, और ये 25 kg पूरा हो गया, ठीक है। आप सेटिंग करते हो उतार दें, हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाए। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों।